हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं नाश्ते में बनाई हूँ रोटी सांभर, बादाम का चटनी है और साथ में है मीठे में बूंदिया। तो आज लंच में भी रहेगा सांभर, बादाम की चटनी और साथ में रहेगा इडली। तो इडली के लिए मैं रात को ही चावल और उड़द दालों को पीस के रख दी थी। तो आधा पतीला ये था और देखिए रात भर में फूल के कितना ऊपर आ चुका है। और इसमें एक पैकेट में इनो डाल दी हूँ, जिससे इडली ना बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत अच्छा फूलता है। तो मैं जा रही हूँ नहाने और नहा कर आऊँगी, फिर बनाऊँगी गरम गरम इडली। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप। तो अभी बज रहा दोपहर का 1 और मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ इडली बनाने। तो गरम गरम इडली बनाऊँगी। तो सभी लोग, आज दोपहर में लंच होगा इडली, इडली सांभर और बादाम का चटनी। तो इस इडली के पात्र में मैं 1 कप के लगभग मैं पानी ली हूँ और इसे गर्म करने के लिए रख दूँगी गैस पे। और ये है इडली का बर्तन, जिसको मैं तेल से हल्का चिकना कर दी हूँ और इसमें मैं डालूँगी इडली का घोल। और जब पानी पूरा गर्म हो जाएगा फिर मैं रख दूँगी इसमें इसको। और इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और इसे रख के मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर 10 मिनट के बाद ना बिल्कुल इडली बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो 10 मिनट हो चुका है और यहाँ देखिए हमारा इडली बिल्कुल अच्छा बना है, बहुत ही फुला फुला स्पंजी बना है। तो इसको तुरंत नहीं निकलना है, थोड़ा सा ये जब ठंडा हो जाएगा ना फिर निकालेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी जल्दी ये निकल जाता है, बिल्कुल आराम से निकल जाता है। अगर गरम गरम निकालेंगे ना तो ये निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है, जब ये ठंडा हो जाए ना फिर इसे निकाला जाता है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसे निकालिएगा, बिल्कुल आराम से निकलेगा। तो इसी तरह मैं 2 बार इडली बनाई सबके लिए। तो यहाँ निकाल रही हूँ मैं आदित्य के लिए खाना। तो सांभर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो बाद में मैं ना इसमें पानी डाल के थोड़ा सा ढीला कर दूँगी। और सबका बहुत फेवरेट है इडली डोसा, मेरे घर में सबको बहुत टेस्टी लगता है। तो ये तैयार हो चुका आदि का लंच थाली, आदि बैठ चुका है खाने के लिए। फिर सभी को खिलाने के बाद मैं भी बैठ गई हूँ अपना थाली लेके खाने। तो बहुत ही टेस्टी बना है, सांभर भी बहुत टेस्टी बना है और इडली भी बहुत ही आगी खुजली होने लगा। आगी भूख लगा है, बनाऊं? ठीक है बनाती। तो अभी बज चुका है रात का 8 और मैं डिनर में बना रही हूँ उत्तपम। तो आदि का बहुत मन था पिज्ज़ा खाने का, तो मैं उत्तपम को बनाऊंगी पिज्ज़ा के स्टाइल में। तो बहुत ही टेस्टी बनता है, इसे बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा ही लगता है। तो इसमें मैं डालूँगी मेयोनीज, तो ये है मेयोनीज जो कि पिज्ज़ा में भी डाला जाता है। और मेयोनीज को डाल के चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, चारों तरफ मिला लूँगी मैं। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें टोमेटो सॉस और कुछ मसाला भी डाली हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसमें प्याज गाजर और शिमला मिर्च भी डाली हूँ, तो बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा ही लगता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है दोनों बच्चों को मेरे बहुत टेस्टी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।